नमस्कार. सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने. प्रयत्न व परिश्रम यांची जोड असल्यास यश हे मिळतेच. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर पुन्हा भेटू. पहा फक्त सिटी न्यूज. विसाव्या अंती पुन्हा आपलं स्वागत आहे. चला बघूया बातम्या विस्तारित स्वरूपात. सिंधू नगरमध्ये चोरी करत असताना महिलांनी चोरट्याला रंगेहात पकडलं. या आरोपीने पोलीस कोठडीत 3 ठिकाणच्या चोऱ्या कबूल केल्या आहेत. चोरी केलेलं सोनं चांदी चोरट्याने अंजनगाव येथील सराफाला विकलं होतं. त्या सराफाकडून पोलिसांनी सोनं चांदी असा 3,72,000 ऐवज जप्त केलाय. सिंधू नगरमधील महिलांनी 30 वर्षीय संजय पुरोहित याला चोरी करताना रंगेहात पकडलं. फ्रेझरपुरा पोलीस गस्तीवर असताना महिलांनी त्यांना फोन केला. 4 एप्रिलची ही घटना आहे. या आरोपीला पोलीस कोठडी मिळाली असता त्याने 3 ठिकाणी चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. जाफरजीन प्लॉट येथे आवकराम उमाशंकर असोरिया व अवत रामानी यांच्याकडे चोऱ्यांची कबुली त्याने दिली व अकोला अंजनगाव सुरजी येथे हा ऐवज विकल्याची माहितीही त्याने पोलिसांना दिली. पोलिसांनी 6 एप्रिलला हा माल सराफा व्यावसायिकाकडून हस्तगत केला जो चोरट्याने विकला होता. 100 ग्रॅम सोनं 180 ग्रॅम चांदी असा 3,72,000 ऐवज पोलिसांनी हस्तगत केलाय. पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस निरीक्षक PS वंजारी यांच्या नेतृत्वात PSI लबाने पोलीस कॉन्स्टेबल सतीश गाढवे सागर काळे सागर निचळे विजय गुप्ता बाबू धोटे विनोद बहादुरे यांनी ही कारवाई केली आहे. 26 डिसेंबर 2016 चोरी झाली होती तेव्हापासून तो तपास आमच्या तपासावर होता आणि 4 एप्रिल 2017 सिंधू नगरमधून आम्हाला आणि आमच्या डीबी चिखलकर जमदार यांच्या डीबी स्क्वॉडला फोन आला की एक चोराला आम्ही चोरी करताना कोणी बाया पकडत आहेत तो त्याच्यासोबत त्यांची हातापाई होत आहे. तर लगेच माझे चिखलकरचे डीबी स्क्वॉड हे त्या सिंधू नगरला त्याच भागात पेट्रोलिंग करतात ते तिथं पोहोचली आणि त्या चोराला पकडलं. चोराला पकडल्यानंतर त्यांनी त्याचा पिछार घेतला. त्यांनी पिछार घेतल्यानंतर त्यांनी आम्हाला जागा दाखवली की आम्ही चोरी कुठे कुठे केली. नंतर अशा प्रकारे आम्ही चोर समोर आणि आम्ही पाठीमागे त्यांनी आम्हाला जाफरजीनमधील 2 चोऱ्याची माहिती दिली. एक आवतराम शिंदी आवतरामानी आणि एक उमाशंकर असुरे आणि आमचा एक मुरली डेमरा सिंधुनगरचा असे त्याने आम्हाला टोटली 3 चोरीची कबुली दिली. त्यानुसार आमची PSI लबाने आणि विनोद चिखलकर यांची टीमी संजू काळे बाबू धोटे सागर निचळे विनोद बहादुरे सतीश गाडवे असे 6 लोक आणि आमचे विनय गुप्ता असे हे लोक दिनांक 6 एप्रिलला प्रथम आरोपीला घेऊन पिशा घेतल्यानंतर अकोल्याला गेले. अकोल्यावरून दोन्ही चोरीतलं कोतळीच्या हद्दीतील जाफरजींकडील माल हस्तगत केला. नंतर काल तारीख 7 तारखेला अंजनगाव सुरजी येथे गेले. तेथील डेमला मुरली डेमला यांच्याकडील माल हस्तगत केला. असा टोटल जवळपास 100 ग्रॅम सोनं आणि 180 ग्रॅम चांदी टोटल 3,72,000 रुपयाचा माल आम्ही आरोपीकडून आणि सोनाराकडून जप्त केलेला आहे आणि रिजिस्टर कारवाई केली. आज पुन्हा आरोपीचा आम्ही पिशार वाढवलेला आहे. उद्यापर्यंत पिशार भेटलेला आहे आणि कोतवालीला आम्ही सदर गुन्ह्याची माहिती दिलेली आहे. अहिंसा प्रेम आणि क्षमाशीलतेची शिकवण देणाऱ्या भगवान महावीर यांची जयंती भक्तिभावाने साजरी करण्यात आली. भगवान महावीर बहुद्देशीय समितीच्या वतीने जयंतीनिमित्त रतन भवन येथून भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. ही शोभायात्रा जयस्तंभ चौकात पोहोचली असता महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला हार अर्पण करण्यात आलं. तसंच पाणपोईचं उद्घाटन दरवर्षीप्रमाणे यंदाही करण्यात आलं. सिटी न्यूज चॅनेल परिवाराच्या वतीनं प्रेक्षकांना महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तसंच भगवान महावीरांच्या चरणी शतशत नमन. भगवान महावीर बहुद्देशीय समितीच्या वतीने महावीर स्वामींच्या जयंतीनिमित्त भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. रतन भवन येथून निघालेल्या शोभायात्रेने दहिसात गांधी चौक राजकमल चौक मार्गे भ्रमण केलं. जयस्तंभ चौकात ही शोभायात्रा आली. जयस्तंभ चौकातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला हार अर्पण करण्यात आलं.
भगवान महावीरांनी दिलेल्या अहिंसेच्या संदेशाचे महात्मा गांधी हे पूजक होते. भगवान महावीर हे अहिंसेचा अवतार होते. त्यांच्या पावित्र्याने साऱ्या जगाला जिंकले. अहिंसेच्या तत्वाचा सर्वाधिक प्रचार महावीर स्वामींनी केला असे उद्गार महात्मा गांधींचे आहेत. या ठिकाणी ध्वजवंदन करून ध्वजगान सादर करण्यात आलं. स्वर्गीय पारसमलजी चोरडिया व स्वर्गीय पद्माबाई चोरडिया यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ महावीर पाणपोईचं उद्घाटन जयस्तंभ चौकात करण्यात आलं. पाणपोईचं हे 15वं वर्ष आहे. आमदार डॉक्टर सुनील देशमुख, मनपा आयुक्त हेमंत पवार, महापौर संजय नरवणे, ओसवाल संघाचे अध्यक्ष चंदू सोजतिया, नानक आहुजा, कोमल बोथरा या मान्यवरांनी पाणपोईचा शुभारंभ केला. महावीर के जयंती के उपलक्ष्य में आज उनको वंदना करता हूं और पिता श्री श्री पारसमल जी और स्वर्गीय मातोश्री श्री पद्माबाई चोरडिया इनके स्मृति में महावीर पाणपोई का आज यहाँ विधिवत उद्घाटन हुआ है ऐसा घोषित करता हूँ. ये 15वां साल है कि लगातार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का सम्मान मुझे मिला है और हर महावीर जयंती को इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जाता है. महावीर जो जैन धर्म के 24वें गुरु थे, तीर्थकार थे, इनका जन्म ईस्वी सन पहले 599 से 527 इस बीच में हुआ था. अभी लगभग 2500 साल उसको हो गए हैं और 2500 साल से इस भारत देश में उनके अनुयाय उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं. आप सब जानते हैं कि लोगों की स्मृति कितनी छोटी रहती है. आप किसको पूछो कि 10 साल पहले इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे, मंत्री कौन थे, तो सब भूल जाएंगे. पर उनका काम ही इतना महान था कि आज 2500 साल के बाद भी लोग उनको याद करते हैं. इसमें ही उनका जो योगदान है वो आप सब समझ सकते हैं. अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, ये सारे उन्होंने दिए हुए कि ये भारतीयों को और मनुष्य को जो लोगों को दिया हुआ उनका ध्यान है वो ज्ञान पे ही यदि लोगों इतने साल से चलते थे. आज जो परिस्थिति पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में है वो नहीं रहे. उस समय भी हिंसा का बड़ा बोलबाला था और वो हिंसा को उन्होंने अहिंसा से नष्ट किया जिसका उपयोग बाद में महात्मा गांधी जी ने किया. और आज भी आप देखते हैं कि अहिंसा का यदि नष्ट करना है तो अहिंसा को यदि नष्ट करना है तो अहिंसा ही सबसे बड़ा ऐसा जो अपने पास हथियार है कि जिसके वजह से ये पूरे दुनिया से खत्म हो सकता है. ऐसे ये जयंती के उपलक्ष्य में आपको सबको बधाई देता हूँ और चोरडिया परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 15 साल से ये उपक्रम उन्होंने बड़ी निष्ठा से यहाँ उठाया है और इसके माध्यम से जो कष्टकारी है जो यहाँ आते हैं इस अमरावती शहर में आते हैं उनको पानी पिलाने का एक अच्छा उपक्रम
इस माध्यम से वो चला रहे हैं, वो पुण्य उनके खाते में है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी महावीर जयंती की फिर से उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यानंतर शोभायात्रा पुढे सरकली। दांडिया, लेझीम यांच्या तालावर वाजत गाजत शोभायात्रेने भ्रमण केलं। शेकडो महिला पुरुष शोभायात्रेत सहभागी झाले। अमरावती शहर पोलीस पदभरती प्रक्रियेतील एक टप्पा लेखी परीक्षा। शारीरिक चाचणी झाल्यानंतर 9 एप्रिल रोजी उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेण्यात आली। 100 गुणांचा हा पेपर होता। 25 जागांकरता 292 उमेदवारांनी परीक्षा दिली। परीक्षेदरम्यान पारदर्शकता पाळण्यात आली। अमरावती शहर पोलीस भरतीसाठी लेखी परीक्षा शहर कवायत मैदान येथे घेण्यात आली। रविवारी ही परीक्षा झाली। रविवारी सकाळी 8 ते 9:30 पर्यंत 100 गुणांचा लेखी पेपर उमेदवारांनी सोडवला। 25 पदांकरता 292 उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली। या परीक्षेमध्ये पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांनी पुरेपूर पारदर्शकता ठेवली। संपूर्ण मैदान आच्छादित करण्यात आलं होतं। उमेदवारांनी एकमेकांशी बोलू नये याकरता प्रत्येकामध्ये 10 फूट अंतर ठेवण्यात आलं। उमेदवारांनी वार्तालाप केला किंवा नजर मागेपुढे केली तर परीक्षेतून बाद केल्या जाईल अशी घोषणाही परीक्षेपूर्वीच करण्यात आली। डीसीपी मीना चव्हाण, उपायुक्त चेतना तिडके, वाहतूक पोलीस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे, फ्रेझरपुरा पोलीसचे निरीक्षक PS वंजारी यांनी या परीक्षेची जबाबदारी सांभाळली।
गेल्या 23 वर्षांपासून अमरावतीकरांच्या सेवेत सायन दैनिक अमरावती मंडळ आहे. तसंच मातृभूमीही ताज्या बातम्या पुरवतं. मातृभूमी व सायन दैनिक अमरावती मंडळने नवीन प्रगतीचं पाऊल टाकलं आहे. खापर्डे बगीचातील कार्यालयाचं सुशोभीकरण करण्यात आलं आहे, नूतनीकरण करण्यात आलं आहे. या कार्यालयाचा उद्घाटन सोहळा थाटात 9 एप्रिल रोजी महावीर जयंतीच्या पर्वावर पार पडला. संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे आयोजित समारोहात मान्यवरांची उपस्थिती होती. तसंच अभिनेते रजा मुराद, अभिनेते गजेंद्र चौहान तसंच विचारक व पत्रकार राहुल देव यांनीही हजेरी लावली. अभिनेते गजेंद्र चौहान, पत्रकार व विचारक राहुल देव तसंच अभिनेते रजा मुराद या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यांची गौरवमय उपस्थिती या कार्यक्रमाला लाभली. छोटंसं पाऊल टाकून सुरुवात केलेल्या सायन दैनिक अमरावती मंडळने प्रगतीचं पाऊल टाकलंय. 1994 साली सायन दैनिक अमरावती मंडळची सुरुवात झाली, त्याला 23 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. परिस्थितीनुरूप बदल घडवत प्रगतीच्या शिखरावर पोचलेल्या सायन दैनिक अमरावती मंडळ व मातृभूमीच्या नवीनतम सुशोभित कार्यालयाचं उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. सर एक मिनिट. हा सर, पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी खासदार आनंदराव अडसूळ हे होते. हिंदी फिल्म अभिनेता रजा मुराद, आज तकचे माजी संपादक वरिष्ठ पत्रकार व विचारक राहुल देव, फिल्म व टेलिकॉम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व अभिनेता गजेंद्र चौहान यांची गौरवमय उपस्थिती या कार्यक्रमाला लाभली. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार डॉ सुनील देशमुख, आमदार डॉ अनिल बोंडे, महापौर संजय नरवणे, मनपा स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, विरोधी पक्षनेता बबलू शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोले, प्रसिद्ध उद्योगपती प्रवीण मालू, प्रसिद्ध समाजसेवक चंद्रकुमार जाजोदिया, ड्रीम्स इन्फ्रास्पेसचे MD नरेंद्र भाराणी, बिझलँड कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे MD जसराज बजाज यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. खापर्डे बगीचातील अत्याधुनिक व सुशोभित अशा कार्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं. हा समारोह संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे साजरा झाला. खापर्डे बगीचातील हा उद्घाटन सोहळा सांस्कृतिक भवन येथे दिसण्याची व्यवस्था सिटी न्यूज तर्फे करण्यात आली. फीत कापून कार्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं. सायन दैनिक अमरावती मंडळचे संपादक अनिल अग्रवाल तसंच अमरावती मंडळचे MD राजेश अग्रवाल यांचं पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांनी अभिनंदन केलं. त्यांना भावी कार्यकालासाठी शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आलेल्या गजेंद्र चौहान व रजा मुराद या अभिनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली व पत्रकारांच्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तरं दिली. सायन दैनिक अमरावती मंडळ मातृभूमीच्या नवीनतम कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभाला अभिनेता रजा मुराद, गजेंद्र चौहान व वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव यांची गरिमामय उपस्थिती होती. उद्घाटन समारंभानंतर हिंदी फिल्म अभिनेता रजा मुराद, विचारक व ज्येष्ठ पत्रकार राहुल देव व फिल्म व टेलिकॉम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व अभिनेता गजेंद्र चौहान यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांच्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तरं दिली. ज्येष्ठ पत्रकार राहुल देव यांनी पत्रकारांशी बोलताना भाषेविषयी मत व्यक्त केलं. साने गुरु जी ने जो विद्यालय स्थापित किया वो भी अब मराठी माध्यम में रहेगा, तो मराठी का कहां भविष्य, हिंदी का कहां भविष्य? क्योंकि यही स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहां गया में भी, भागलपुर में भी और रायबरेली में भी और बदायूं में भी यही हो रहा. तो ये जो संकट है, ये संकट मुझे बहुत हराम की हुई है, उड़ाई हुई है. इस संकट से लोगों को जगाने के लिए मैं जगह जगह जाता हूँ, भाषा की बात करता हूँ, हिंदी की बात करता हूँ. ये सारी भाषाएं या तो एक साथ बचेंगी या एक साथ जाएगी. कोई एक भाषा इतनी ही बड़ी अपनी को मान ले और वो हिंदी सबसे बड़ी है संख्या में, लेकिन उससे कुछ नहीं होता. आजकल ये दुनिया संख्या से नहीं चलती, किसी और चीज से. तो मित्रों, ये संकट है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ. आज भी बात करूँ ना, इसमें हम जो भाषाई पत्रकार हैं उनकी बहुत प्रमुख भूमिका है.
होते हैं, दुकानों के नाम होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, क्या धीरे धीरे वो मराठी से अंग्रेजी में बदल रहे हैं या नहीं? मराठी लिपि का दिखना सार्वजनिक स्थान पर कम हुआ है कि नहीं? अब धीरे धीरे पाते हैं क्योंकि सब लोग असावधान है, हमारी सरकारें भी असावधान है, इसलिए कई बार सरकारी जगहों पर भी नाम और ये सब अब धीरे धीरे अंग्रेजी का होगा। हिंदी या देवनागरी अपनी किसी भारतीय लिपि में लिखने का हमारा आपका अभ्यास ही बहुत कम हो रहा है। हम लोगों के लिए हिंदी सिर्फ एक बोली बन के रहेगी। फिल्म दुनिया की अगर बात करें तो मेरा खुद खोलने लगेगा, इसलिए मैं कम बात करता। अभिनेता गजेंद्र चव्हाण यांनीही आपल्याला मीडियाने छोट्याशा विषयावर मोठं केलं असं यावेळी म्हणाले। सूचित करतो की मेरा कार्यकाल 3 मार्च 2017 को समाप्त हो गया, क्योंकि ये कार्यकाल बड़ा ही अनूठा इसलिए रहा, ये रेट्रोस्पेक्टिव बिना है, मतलब जब ये सरकार नहीं बनी थी तब से गिना, ये बड़ा अद्भुत मुझे भी लगा। 3 मार्च 2014 से गिना गया जबकि सरकार जो बनी वो मई 2014 में बनी। लेकिन FTI का ऐसा सिस्टम है कि वहां पे लॉ सिस्टम है 3 इयर्स का, जो भी चेयरमैन आएगा, अब जो भी चेयरमैन आएगा, अभी तो कोई आया नहीं है, जो भी आएंगे उसी डेट से गिना जाएगा। ये सिस्टम एक समय से बाहर है, ऐसा क्यों है? मुझे जो मौका मिला वो 1 साल 2 महीने का कार्यकाल रहा, और 1 साल 2 महीने में इतनी चुनौतियां मेरे सामने थी क्योंकि पिछले कई वर्षों का काम वहां पेंडिंग था। मैंने कोशिश की है कि सबसे पहले तो वो जो पेंडिंग काम थे वहां, जो 2008 और 2009 के बैचेस के स्टूडेंट्स पेंडिंग थे वहां, कुसूर स्टूडेंट्स का नहीं है, बहुत विरोध हुआ देश में, तो आप सबने भी देखा मीडिया में भी खूब आया। विरोध जो है डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया सिंबल है, आपको सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का, लेकिन विरोध अगर जायज हो वो टिकता है, नहीं तो नहीं टिकता। मेरे केस में कुछ ऐसा ही हुआ, विरोध चारों दिशाओं से हुआ लेकिन वो टिका नहीं, क्योंकि विरोध में दम नहीं था, उसका प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने एक बार कहा भी था कि मेरे जो क्रेडेंशियल्स पूछ रहे हैं देश में, उनके अपने क्रेडेंशियल्स क्या है? वो छात्र जो मेरे क्रेडेंशियल पूछते हैं एक चेयरमैन होने के, उनके क्रेडेंशियल अभी शुरुआत नहीं हुई है। अभिनेता रजा मुराद यांनी व्यसनाधीनते बाबत आपलं मत मांडलं, शेर सांगितले। ये लोग पूरी दुनिया जानती है कि गुरमान जो है वो स्वार्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, पिछले 45 साल से मेरे मित्र भी हैं, मेरे सहकलाकार भी हैं, मैंने बहुत फिल्मों में उनके साथ काम किया है, उनमें मैंने बड़े पॉजिटिव पॉइंट देखे और एक पॉइंट जो मुझे उनका कभी अच्छा नहीं लगा वो था स्मोकिंग। तकरीबन 40 सिगरेट को एक दिन में पीते थे। तो मेरा ये मानना है कि जो फैक्ट्री की चिमनी होती है वहां से जब धुआं निकलता है तो वो भी काली हो जाती है, तो हमारा फेफड़ा जो है वो तो मास्क का एक टुकड़ा है, टुकड़ा है, इतना धुआं, इतनी निकोटीन जब उसमें अंदर जाएगी तो यकीनन सेहत पर, स्वास्थ्य पे उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये मेरा अपना मानना है कि सिगरेट जो है सबसे ज्यादा नुकसानदेह है ड्रग्स के बाद, और उनका जो स्वास्थ्य इतना खराब हुआ है, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सिर्फ वो सिगरेट की वजह से हुआ है, लेकिन सिगरेट भी उस खराबी का एक हिस्सा हो सकता। अद्वैत अमरावती व सिटी न्यूज चैनल अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने मेरे राम दीर्घांक हिंदी नाटक सादर होत आहे। 23 एप्रिल रोजी सायंकाळी 7 वाजता संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे होणाऱ्या हिंदी नाटकाच्या पोस्टरचं विमोचन या कार्यक्रमादरम्यान करण्यात आलं।
रुपया नौ दिन पड़े यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सुनो, मेरे नाम का ये नाटक जो 23 अप्रैल को अमरावती में होने जा रहा है, मेरी सारी शुभकामनाएं इस नाटक के साथ हैं, नाटक के कलाकारों के साथ, नाटक के निर्माता के साथ, नाटक के निर्देशक के साथ और नाटक से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मेरे नाम नाटक की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और आग्रह करता हूं दर्शकों से कि ज़रूर जाएं, नाटक देखने ज़रूर जाएं। आप देखने जाएंगे तभी नाटक जिंदा रह सकते हैं, आप देखने नहीं जाएंगे तो नाटकों के जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे नाम नाटक देखने जरूर जाइए, यही मेरी आप सबसे विनती है। धन्यवाद। 23 अप्रैल को अमरावती में जो नाटक मेरे नाम का मंचन होने जा रहा है, मैं गजेंद्र चौहान आपको शुभकामनाएं देता हूँ। रामलीला जो है भारत की एक विधा है, बरसों पुरानी, और हमेशा से रामलीला के रूप में उसे देखते रहे हैं। हमने रामलीला में हिस्सा भी लिया है, मंच पर काम करने का मज़ा अलग होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारी से भारी संख्या में आए और इस नाटक का मजा भी लें और इसे सीखें। अभिनेता गजेंद्र चौहान, अभिनेता रजा मुराद, ज्येष्ठ पत्रकार राहुल देव यांच्या हस्ते पोस्टरचं विमोचन करण्यात आलं। या नाटकाची संकल्पना सुधा तिवारी यांची असून निर्देशक विशाल तराळ हे आहेत व सूत्रधार चंदू सोजतिया आहेत। अधर्मावर धर्माचा, असत्यावर सत्याचा विजय म्हणजे मेरे राम हे नाटक आहे। या विमोचन समारंभानंतर सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया यांनी अभिनेता गजेंद्र चौहान यांची मुलाखत घेतली। अक्सर देखा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में छोटे शहरों फिल्म सीरियलों की शुरुआत में, कभी बहुत ज़्यादा फिल्म सीरियल होने के बावजूद भी छोटे शहर के लोगों को उसमें चांस नहीं मिल पाता, क्या करना चाहिए छोटे लोग, कैसे जैसे होता। देखिए, ऐसा नहीं कि छोटे शहर के लोगों को चांस नहीं मिलता है, लेकिन छोटे शहरों के लोगों को मुंबई पहुँचना होता है। हमारा जो महासागर है इंडस्ट्री का, वो मुंबई। अब मुंबई में आके अपने आप को स्टे करना, अपने आप को होल्ड करना और काम मांगना और काम करना, ये कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जब टैलेंट बेस्ड वो इंडस्ट्री है तो जो टैलेंट छोटे शहर से आए या बड़े शहर से आए, टैलेंट टैलेंट होता है और वो आके वहाँ जिस तरह से काम करे और अच्छा काम करे तो काम मिलने की कोई ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलेगा, काम मिलेगा। और आज तो फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में इतना काम है कि कलाकार कम पड़ रहे हैं। तो छोटे शहर और बड़े शहरों का है ही नहीं सवाल, सवाल ये है कि आप मेरा ये है कि या तो आप ट्रेनिंग लेके आए, सीख के आए, या मुंबई जाकर ट्रेनिंग लें। उसके बाद पीछे उद्देश्य ये था कि बड़े शहर में जैसे आप इंस्टीट्यूट के आधार पर प्रॉपर सिलेक्शन, छोटे शहर में ये सुविधा उपलब्ध है क्या? छोटे शहरों में आप करा सकते हैं, छोटे छोटे शहरों में से किसी के एप्लीकेशन करके वो हो जाए, कुछ उसमें सिलेक्ट करके व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे अफोर्ड नहीं कर सकता। टैलेंट होता है लेकिन पैसा उसके साथ में लगता है, पैसा और टैलेंट दोनों एक साथ मैच नहीं होता, इसलिए कई टैलेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड सीट से कॉम्पिटिशन के माध्यम से तब आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन हमने पिछले दिनों जब मैं चेयरमैन था तो हमने एक नई चीज़ शुरू की है कि FTI इनिशिएटेड कोर्स जो है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में शुरू कर रहे हैं। और अभी जो शॉर्ट लिस्ट किया हमने 7 सेंटर्स किए हैं और आने वाले समय में और भी करेंगे और महाराष्ट्र में कुछ सेंटर होंगे, लेकिन इस वक्त जो है पहले 7 में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में 28 स्टेट में काम करना है। तो जगह जगह जो सेंटर्स खुलेंगे उससे जो है स्टूडेंट अपना उसका लाभ उठा सकते।
अमरावती में बहुत सारी मराठी फिल्में बनती हैं कि हिंदी फिल्मों में यहाँ पे चांस नहीं मिल पाता, कारण जो ये ट्रेनिंग का और प्रॉपर सोर्सेज का नहीं। हिंदी फिल्मों में तो देखिए मैंने जैसे कहा कि मुंबई में, लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, छोटे छोटे शहरों में ट्रेनिंग स्कूल रहे उसमें जो जेन्युइन हो, जो लोग वाकई में ट्रेनिंग दे सके उस तरह की प्रशिक्षण मिलना चाहिए, तो उसके माध्यम से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कहाँ सीखना है। और अगर FTI इनिशिएटेड कोर्सेज आगे आने वाले समय में यहाँ भी कहीं आसपास शुरू हो गए तो उसका लाभ उठा सकेंगे इसमें और फिर मुंबई पहुँच सकते हैं। जैसे कि टैलेंट शो भी होते हैं, टैलेंट शो में भी छोटे शहर के लोग जाते हैं, कभी कभी चांस लग जाता है, देना पड़ता है। कई बार अक्सर होता है कि किस स्कूल से आए हुआ, किस घराने से, इसको महत्व रहता है और टैलेंट को वहाँ पर दबा दिया जाता है। डिफरेंस होते हैं लोग, ऐसे कई उदाहरण हुए हैं। टैलेंट जिसमें टैलेंट है वो छोटे शहर से बड़े शहर से, आप पीछे देखिए नॉर्थ ईस्ट के कितने लोग आगे मुंबई में, कितने अवार्ड जीत के गए हैं ये टैलेंट शो में, तो ऐसा नहीं है, लेकिन टैलेंट होना बहुत जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि छोटा पर्दा काफ़ी विस्तृत रूप से फैल गया, आप भी छोटे पर्दे से आपने हिंदी की पहले बड़े पर्दे वाले छोटे पर्दे पे आगे नहीं थे काम करिए, छोटे पर्दे में आगे मतलब कोई हो गया, लेकिन आज सारे बड़े पर्दे वाले छोटे पर्दे नहीं। क्या फिल्मों का प्रोडक्शन फिल्में नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा कि फिल्में फिल्में रहेंगी, टीवी टीवी रहेगा, दोनों का अपना मज़ा है, लेकिन टीवी का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, बहुत जल्दी आपके बेडरूम तक पहुंच जाता है उसमें सब। और आप देखिए ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए तो आप देखिए देखिए, लेकिन इससे सीख लेने की कोशिश कीजिए। और टीवी इंडस्ट्री आज में बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये फिल्मों को मात दे सकेगी, दोनों पैरेलल चलेंगी और चलती रहेंगी, दोनों का अपना अपना मज़ा है। फिल्म इंडस्ट्री में अभी जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री का जैसे आपने इसको बताया, अभी छोटे शहरों का मैंने बताया कि यहाँ से वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते, फिर भी आपको क्या लगता है कि छोटे पर्दे में भी बड़े सारे प्रोडक्शन जो थे मैक्सिमम मुंबई दिल्ली यही हो गए, तो इन्हों इधर कन्वर्ट हो गए छोटे पर्दे में? छोटे वैसे लोकेशंस होनी चाहिए ना, सेट्स होने चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, उतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रोडक्शन वाइज वायबल होना चाहिए, ट्रैवलिंग होनी चाहिए आर्टिस्टों की, तो प्लस वो आर्टिस्ट देखिए प्रोड्यूसर किसको लेता है, जो सेलेबल वहाँ पे वो सेलेबल होना चाहिए। शहरात शासकीय कार्यालयांच्या भिंती आहेत, या भिंती धूळखात पडल्याने ओंगळपणा चढतो, मात्र या भिंती अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी व आयक्लिन ग्रुपने चकाचक केल्या आहेत। या भिंतींवर वारली पेंटिंगने बेटी बचाओ बेटी पढाओचा संदेश देण्यात आला, भिंती सुशोभित झाल्याने शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर पडली। इंजिनिअरिंगच्या व आयक्लिन ग्रुप वतीने शहरातील शासकीय कार्यालयांच्या भिंतींवर वारली पेंटिंग काढण्यात आले, यामध्ये मालटेकडीची भिंत, महानगरपालिकेची भिंत तसेच शहर कोतवालीच्या भिंतीवर वारली पेंटिंग काढून बेटी बचाओ बेटी पढाओचा संदेश विद्यार्थ्यांनी दिला। यामध्ये त्यांना रंग ब्रश करता नगरसेवक दिनेश बुब यांनी मदत केली, तसंच कलर्स पेंट डीलर्स व स्वतः विद्यार्थ्यांनी पैसे गोळा करून रंग गोळा केले। शासकीय इमारती धूळखात पडलेल्या आहेत, त्यांच्या भिंतीवर सुंदर कलाकृती पेंटिंग करून नागरिकांना संदेश देण्यात आला, तसंच शहराच्या सुशोभीकरणात भर टाकण्यात आली। या कलाकृती पाहण्यासाठी आमदार डॉक्टर सुनील देशमुख, मनपा आयुक्त हेमंत पवार, नगरसेविका हर्षे, नगरसेवक अजय सारस्कर आदी उपस्थित होते। आयक्लिन अमरावती नावाची संघटना आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही पाहता सगळे तरुण मुलं मुली आहेत, आणि हे शहर माझं आहे आणि हे शहर स्वच्छ असलं पाहिजे, हे शहर सुंदर असलं पाहिजे, हे शहर बाहेरून या लोक बाहेरून आलेल्या लोकांना चांगलं वाटलं पाहिजे म्हणून यांनी उत्स्फूर्तपणे हा ही मोहीम राबवली आहे। आणि याच्यामध्ये सगळे आमचे नगरसेवक, आमचे आयुक्त साहेब यांचासुद्धा इन्वॉल्वमेंट आहे, आणि त्या अनुषंगाने ज्या भिंती आहेत ज्या अत्यंत घाणेरड्या आहे, विद्रूप झालेल्या आहे, खराब झालेल्या आहे, त्याला ते कलरिंग करून वारली प्रिंटिंग त्याच्यावर ते करतात, त्यामुळे अजून सौंदर्य वरती येतं आणि तो विभाग, तो एरिया, ती भिंत अत्यंत चांगली आणि सुशोभित होते आणि त्या अनुषंगाने अमरावतीच्या सौंदर्यात भर पडते। म्हणून मी या आयक्लिन अमरावतीच्या सर्व संघटनेच्या सर्व सदस्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो, आमच्या आयुक्त साहेबांनी आणि महानगरपालिकेने त्यांना आणि आमच्या नगरसेवकांनी त्यांना
ज्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या, म्हणजे त्याला जो खर्च येतो त्याचा काही भारसुद्धा त्यांनी उचललेला आहे आणि त्या अनुषंगाने अमरावतीच्या सौंदर्यीकरणामध्ये त्यांनी जो सहभाग नोंदवला आहे त्याबद्दल त्यांचं आम्ही सर्व अमरावतीकरांमध्ये मनापासून आभार मानतो. रविवारी रोडे ऐकलीन अमरावतीमधून बोलत आहे. आम्ही एक ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केली आहे ऐकलीन अमरावती. त्यात सुरुवातीला मेन आदित्य माथेरकरनी ऐकलीन अमरावती स्टार्ट केलं आहे. त्याच्यात आम्ही मेन वारली पेंटिंग ड्रॉ करतो, म्हणजे जे खराब भिंती जे झालेले आहे त्याच्यावर वारली पेंटिंग करतो आणि मेन त्याच्यात आम्ही गर्ल्स दाखवतो, म्हणजे वुमेन एम्पावरमेंटचा आम्ही एक सर्विस, म्हणजे बेटी बचाव बेटी पढाव जे आहे ते दाखवतो. आणि मेन आहे की आता स्वच्छताचं पण एक दाखवतं, म्हणजे नेमच त्याचं ते आहे की ऐकलीन अमरावती. आपल्या अमरावतीला एक स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी आम्ही हा एक छोटासा प्रोजेक्ट स्टार्ट केला. बातमीपत्रात घेऊया काही क्षणाचा विसावा. विसाव्यानंतर पुन्हा भेटू. पहा फक्त सिटी न्यूज. विसाव्या अंती पुन्हा आपलं स्वागत आहे. वळूया उर्वरित घडामोडींकडे. श्री महावीर जयंतीनिमित्त ओसवाल भवन येथे सहभोजनाचं आयोजन करण्यात आलं. ओसवाल संघ, स्वामी वात्सल्य फाउंडेशन आदी संघटनांचा यामध्ये सहभाग होता. महावीर स्वामी हे 24वे तीर्थंकर होते. क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ व राणी त्रिशला मातेच्या पोटी महावीरांचा जन्म झाला. भगवान महावीरांचा जन्म अतिशय विपरीत परिस्थितीत झाला. अत्याचार, अनिती, आतंक, हिंसा अशी त्यावेळची परिस्थिती होती, ती स्फोटक परिस्थिती आजही आहे. तेव्हा भगवान महावीरांना शरण जाऊया व या परिस्थितीचं निराकरण करण्याची प्रार्थना करूया. श्री महावीर जयंतीनिमित्त स्वामी वात्सल्य फाउंडेशनच्या वतीने ओसवाल भवन येथे भोजनदान करण्यात आलं. हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यामध्ये मोठ्या संख्येनं समाजबांधव सहभागी झाले. समाजबांधवांनी भोजनाचा लाभ घेतला. ओसवाल संघाचे अध्यक्ष चंदू सोजतिया, अशोक बंबोरिया, ओसवाल युवक संघाचे धर्मेंद्र मुणोत, भारतीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष चंचल गोलेच्छा, JPV जैन महिला संघ व कोमल बोथरा आदी यांच्यासह मोठ्या संख्येनं मान्यवर येथे उपस्थित होते. भगवान महावीर स्वामींची जयंती विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरी करण्यात आली आहे. अहिंसा व परोपकाराचा संदेश देणारे भगवान महावीरांच्या जयंतीनिमित्त पाणपोई सुरू करून उन्हाळ्यात शीतल जलाची व्यवस्था करून देण्यात आली आहे. JPB महिला फाउंडेशनतर्फे हा उपक्रम राबवण्यात आला. तसंच थंडगार ताकाचं वितरणही येथे करण्यात आलं. JPB जैन महिला फाउंडेशनच्या वतीने भगवान महावीर जयंतीनिमित्त सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आले. त्रिपूर्ती वाटिका उद्घाटन महापौर संजय नरवणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तसंच पाणपोईही सुरू करण्यात आली. पाणपोईचं हे दुसरं वर्ष आहे. महावीर जयंतीनिमित्त या सामाजिक उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. ताक वाटप करण्यात आलं. उन्हाळा संपेपर्यंत नागरिकांच्या सेवेत थंड पाणी वाटण्याचं सामाजिक कार्य JPB फाउंडेशन करत आहे. यावेळी समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला JPB महिला फाउंडेशनच्या अध्यक्षा प्रतिभा चोपडा, सहसचिव ललिता सिंघवी, सचिव सुषमा मुणोत, दीपा कटारिया, अनिता खिवसरा, रीना पटवा, जैन संस्कार युवा मंच, ओसवाल नवयुवक संघ, दादावाडी संस्थान, दादाभाई खजांची, भारतीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष चंचल गोलेच्छा, JPB युवा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा प्रमोद मुणोत आदी उपस्थित होते. जिनेंद्र, आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं. JPP जैन महिला फाउंडेशन की ओर से विगत 2 वर्षों से निरंतर यह उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष हमने शरबत का और ठंडा पानी का वितरण किया था. इस वर्ष हमने छाछ एवं ठंडे पानी का वितरण करने का कार्य किया है. निरंतर भक्ति धूप में राहगीरों को राहत मिलने के लिए निरंतर 2 महीने तक यह उपक्रम चलाने का हमारा मानस है, जिसका विधिवत उद्घाटन आज सुबह महापौर श्री संजय जी नरवणे के हाथों संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में समाज के सभी भाई बहनों ने हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया. उनके प्राप्त सहयोग के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. एक नजर बातमीपत्रातील अन्य महत्त्वाच्या घटनांवर. एक नजर टाकूया जिल्ह्यातील घडलेल्या गुन्हेगारी घटनांवर, अर्थात DCR. पोलीस ठाणे चांदूर रेल्वे, आरोपी ट्रॅक्टर चालक, फिर्यादी ज्ञानेश्वर फुसे. कलम 279, 337, 338
हकीकत फिर्यादीचा मुलगा ऑटोमध्ये येत असताना ट्रॅक्टरने अपघात होऊन मुलगा गंभीर जखमी झाला. पोलीस ठाणे लोणी. आरोपी विनोद बावणे. फिर्यादी श्रीमती वय वर्षे 50. कलम 363. हकीकत फिर्यादीची 17 वर्षांची भाची हिला आरोपीने फूस लावून पळवलं. पोलिसांनी 363 कलमांवर गुन्हा दाखल केलाय. पोलीस ठाणे शिरसगाव कसबा. आरोपी अज्ञात वाहनचालक. फिर्यादी दिलीप मोहोड. हकीकत अज्ञात वाहनचालकाने मृतक नितेश मोहोड याला ठोस मारून गंभीर जखमी केलं, त्याच्या मरणाला कारणीभूत ठरला. शिरसगाव कसबा पोलिसांनी 279-304 कलमान्वये गुन्हा नोंदवलाय. पोलीस ठाणे परतवाडा. आरोपी विजय साखरे अधिक 3. फिर्यादी अश्विनी साखरे. हकीकत फिर्यादी व आरोपी हे पती पत्नी असून आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीला 50,000 रुपये माहेरून आणण्याची मागणी केली व तिचा छळ केला. पोलिसांनी 498 व 34 कलमान्वये गुन्हा दाखल केलाय. वेळ झाली आहे आपली रजा घेण्याची. आपणास काही माहिती द्यायची वा काही सुचवायचं असेल तर आमच्याशी थेट संपर्क करा. आमचा पत्ता सिटी न्यूज कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भुवन समोर, मोर्शी रोड, अमरावती. आमचा फोन नंबर आहे 3298161 आणि वेबसाईट आहे www.citynews.net.in. अचूक सडेतोड आणि निर्भीड बातम्यांसाठी बघत राहा अमरावतीचं नंबर 1 चॅनेल, फक्त सिटी न्यूज. बातमी आमची, विश्वास तुमचा.